तो फाइनली दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले गाइज इंडियन वुमेन्स वर्सेस गाइज यहां पर से वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच जो T20 सीरीज का मुकाबला चल रहा है उसके बीच हम चर्चा करेंगे। तो गाइज वीडियो को जो हुआ पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना। इस वीडियो में आपको एक एक प्लेयर वाइज जो हुआ एनालिसिस करने वाला हूँ, कौन कौन सा प्लेयर्स जो हुआ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, किस किस प्लेयर्स को मेरे और आपके टीम में होना चाहिए, और भाइयों आज का बेस्ट वाइस में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाए, सारा कुछ इस वीडियो में हम बारीकी से एक्सप्लेन करके आप सभी भाइयों को जानकारी देंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जो हुआ वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहना, क्योंकि गाइज देखो तो इसमें आपको बता देता जो वुमेन्स का मैच होता है उसमें स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग खास करके, तो इसमें जीएल विनिंग करना काफी ज्यादा आसान रहता है। तो इस स्थिति में आप भी चाहते हो ना एक बेहतरीन प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके सही तरीका से आप कैप्टन और सही तरीका से वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो में आपको पूरा एक एक प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा, साथ में स्मॉल लीग में कौन सा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, ग्रैंड लीग में कौन सा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, सारा कुछ आपको पूरा डिस्कस करके और साथ में बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करते उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भाई अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना गाइज। इसका लिंक कहां मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप बड़े आसानी तरीके से जो हुआ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से यह होता है, जैसे ही मान लो यहां पर से इंडियन वुमेन्स और साथ में वेस्ट इंडीज वुमेन्स की तरफ से टॉस हो जाता है, तो टॉस होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुल जो हुआ 5 टीम प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें 3 जीएल का और 2 स्मॉल लीग का टीम भी देखने को मिलता है। तो गाइस मैं अपना सेम टीम देता हूं, जो मैं टीम से खेलता हूं वही टीम आपको भी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गाइस वहां पर से 21,000 से अधिक लोगों ने ज्वाइन करके रखा है। तो फटाफट से जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाओ टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से बड़े आसानी तरीके से जो हुआ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी देता हूं। उससे पहले जो भाई ये वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो हुआ सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि यह जो मुकाबला खेला जाएगा बफेलो पार्क ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका में यह मुकाबला को खेला जाएगा। वही पिच देखते हैं, तो गाइस इसका पिच जो होने वाला है वह बैटिंग पिच होने वाला है। बैटिंग के साथ साथ इस पिच पर जो हुआ स्पिनर्स बॉलर्स को बड़ी आसानी तरीके से जो हुआ मदद मिलता है। और गाइस देखते हैं यहाँ पर से, तो सारा कुछ आपको पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी दूंगा, तो इसलिए बोलते हैं आप लोग वीडियो को जो हुआ बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइस देखो तो यह जो मुकाबला खेला जाएगा आज, यानी कह सकते हो टुडे, ये 6:30 में आपको मुकाबला जो हुआ गाइज वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेज इंडियन वुमेन्स के बीच आपको लाइव देखने को मिलेगा। शाम 6 बजे यह मुकाबला, और टॉस हो जाता है शाम कितना बजे, 6 बजे अगर हो जाता, मान लो 6:01 में भी टॉस हो जाता है, तो गाइज मैं यहाँ पर से 6:03 में जो हुआ 3 जीएल का टीम और 2 स्मॉल लीग का टीम जो हुआ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भाई अभी तक के भी ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, नहीं तो वीडियो पूरा देख लो, वीडियो पूरा देखने के बाद आप जो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और गाइस देखो तो मैच में यहां पर से आपको बता देता हूं, पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि देखो यह जो मैच में जो है ना वो पैसा विनिंग करने वाला मैच होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले देखते हैं तो सारा कुछ यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि गाइस विकेट कीपर सेक्शन से कौन सा प्लेयर्स होना चाहिए, बैटिंग सेक्शन से किस प्लेयर्स को होना चाहिए, ऑलराउंडर सेक्शन से किस प्लेयर्स को होना चाहिए, बॉलिंग सेक्शन से किस प्लेयर्स को होना चाहिए, पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब मैं अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन देखेंगे, बैटिंग सेक्शन देखेंगे, उसके बाद गाइज में यहाँ पर से ऑलराउंडर सेक्शन से देखेंगे कौन सा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, बॉलिंग सेक्शन से कौन सा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइज जैसा कि मैं अब अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, सबसे पहले इसका हम थोड़ा पिच देखते हैं, पिच कैसा रहने वाला। तो गाइज इसका पिच जो होने वाला हुआ बैटिंग पिच होने वाला, इस पिच पर जो है बैटिंग को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है। वही पिच देखते हैं तो गाइड गुड फॉर स्पिन, क्योंकि इस पिच पर जो हुआ स्पिनर्स बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके से जो हुआ विकेट मिलता है, तकरीबन आप कह सकते हो गाइज 60% जो यहाँ पर विकेट मिलता हुआ स्पिनर्स बॉलर्स इस पिच पर विकेट लेकर के जाता है। वही देखते पिच का
एवरेज स्कोर, तो गाइज इस पिच का एवरेज स्कोर 126 का, तो अच्छी यदि बैटिंग करती है इंडियन वुमेंस या यहाँ पर से वेस्ट इंडीज वुमेंस, तो भाई आपको यहाँ पर से आसानी तरीका से 150 160 यदि अच्छा बैटिंग रहता है तो 170 रन भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर से विकेट कीपर सेक्शन में, तो आपको WI यानी वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से गाइज देख सकते हो आपको नज़र आता होगा आर विलियम्स हो गया, फिर यहाँ पर से देख सकते हो इंडियन वुमेंस की तरफ से वाई भाटिया हो गया। तो गाइज देखो यहाँ पर से मैं इस प्लेयर्स को स्मॉल लीग की टीम में भाटिया को SL प्लस GL स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि करेंट में देखा जाए तो भाइयों इनके पास भी काफ़ी अच्छा खासा फॉर्म है, इनके पास भी बैटिंग करने की काफ़ी अच्छा खासा क्षमता है। तो इस प्लेयर्स को स्मॉल लीग हो प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ है। वेस्ट वाइस में यदि GL के लिए इसे आप कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करते हो तो और आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा मैं विलियम्स के बारे में चर्चा करता हूं, तो गाइस देख सकते हो आर विलियम्स आपको नज़र आता होगा वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से, तो मैं आपको बता देता हूँ GL की एक टीम में रखने की काफ़ी ज़्यादा संभावना या और इस प्लेयर्स को बता देता हूँ VC जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना, मैं अपने GL की एक टीम में VC बनाऊंगा और एक टीम में होगा तो गाइस मैं यहाँ पर से वाई भाटिया को जो हुआ C बनाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडक्शन है, इनके बल्ले से बड़े आसानी तरीके से जो गाइस यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो 40 रन देखने को मिल सकता है। तो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला हूं कि वेस्ट वाइस में इस प्लेयर्स को चाहते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। उसके बाद मैं चलता हूं बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में देख सकते हो आपको एच कौन नज़र आता होगा, फिर गाइज आपको यहां पर से एस मानधना हो गया, फिर यहां पर से देख सकते हो सी नेशन हो गया, फिर गाइज नीचे आने के बाद आप देख सकते हो आपको नज़र आता होगा एस कैम्बले हो गया, फिर गाइज यहां पर से बी कॉपर हो गया, उसके बाद आप देख सकते हो एच ड्यूअल आपको नज़र आता होगा, जो कुछ इस प्रकार से बैटिंग सेक्शन रहने वाला है वेस्ट इंडीज वुमेंस और साथ में इंडियन वुमेंस का। तो गाइज सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर से एच कौर को मतलब आपको दिखाई देता हुआ, एच कौर काफ़ी अच्छी सी प्लेयर से इस प्लेयर्स को चाहते हो आप स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना तो स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। वेस्ट वाइस के लिए आप चाहते हो एच कोर को कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो आप आंख मून करके कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि भाई इनके पास क्षमता, यदि इनके बैटिंग चल जाता है तो इनके बल्ले से बड़े बड़े रन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर से आती है एस मंदना, स्मृति मंदना हो गया, तो इस प्लेयर्स को भी स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडक्शन है, इनके बल्ले से भी भाई यहाँ पर से 30-35 रन 40 रन आसानी तरीके से, यदि 35-40 रन बना देते हैं तो भाई इनके बल्ले से आप कह सकते हो एस मंदना के बल्ले से 50-60 रन आसानी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। फिर आपको नज़र आता हुआ सी यहाँ पर से नेशन हो गया, तो गाइस सी नेशन को आपको बता देता हूँ कि मैं अपने GL की एक टीम में रखूंगा, GL की एक टीम में रखने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता देता हूँ GL की दो टीम में मैं ड्रॉप करके जाऊंगा, स्मॉल लीग से मैं इस प्लेयर्स को ड्रॉप करके जाऊंगा, स्मॉल लीग में यहाँ पर से एच कौर और साथ में एस मंदना, और गाइस यहाँ पर से देखते तो आपको फिर नज़र आता होगा, फिर आप नीचे में देख सकते हो आपको वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से कैंप वेल नज़र आता होगा। तो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इस प्लेयर्स को चाहते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना तो कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन कर सकते हो। वेस्ट वाइस में चाहते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो आप कर सकते हो, बट यह प्लेयर्स स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में काफ़ी ज़्यादा सेफ है, खास करके इस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करते हो तो भाई आप कह सकते हो सोने पर सुहागा हो सकता है आपके लिए। तो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो भाई यहाँ पर से वेस्ट इंडीज वुमेंस की अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खासा बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर आपको नज़र आता होगा वी कैपर हो गया, तो गाइस देखो वी कैपर है यहाँ पर से इस प्लेयर्स को चाहते हो तो GL की मैं एक आध टीम में ट्राई करूंगा, बाकी इस प्लेयर्स को जो वो ड्रॉप करके भी जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना। फिर आपको नज़र आता होगा एच ड्यूअल हो गई, तो यहाँ पर से इस प्लेयर्स को चाहते हो स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो, बट रिक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में आप रिक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं GL की एक आध टीम में ट्राई करूंगा, बाकी मैं ड्रॉप करके जाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं अपने टीम में जो सिलेक्ट करूंगा एच कॉर, फिर यहां पर से एस मंदना, और गाइज आपको बता देता हूँ नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पर से कैंप वेल को मैं अपने टीम में ले लिया हूँ, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में इस प्लेयर्स को ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा मैं ऑलराउंडर्स में चलता हूँ, तो ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो आपको नज़र आता होगा एच मैथ्यूज होगी, फिर आपको दी शर्मा यानी दीप्ति शर्मा नज़र आता होगा, नीचे आने के बाद देखो तो कोई खास यहाँ पर से करते नहीं, ए फ्लेक्चर हो गया, फिर आपको नज़र आता होगा वैद्या। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ मैथ्यूज को मैं अपने टीम की स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर से शायद ये कैप्टन भी है,
यहाँ पर से आप कह सकते हो वेस्ट इंडीज वुमेंस की। तो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, स्मॉलिक प्लस ग्रेनलिक दोनों में ट्राई कर सकते हो। बेस्ट वॉइस में चाहते हो इस प्लेयर्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों प्लेयर्स आप कह सकते हो इनके बल्ले से और साथ में इनके बल्ले से रन भी देखने को मिलेगा और विकेट भी लेकर के काफ़ी अच्छा खासा विकेट भी लेकर के जाते हैं। प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। तो मैं अपने टीम में सबसे पहले दी शर्मा यानी दीप्ति शर्मा को भी लेकर के जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर से वैद्या को अपने टीम में ट्राई करूँगा, फिर गाइस देख सकते हो नीचे आने के बाद आपको नज़र आता होगा एच कौर हो गया, फिर यहाँ पर से आपको नज़र आता होगा एस राणा हो गया इंडियन वुमेंस की तरफ से। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ यदि आप फ्लेक्चर को चाहते हो ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। थोड़ा आप विकेट कीपर यदि गाइज देखो सबसे पहले मैं विकेट कीपर में ड्रॉप कर दिया था तो विकेट कीपर में मैं यहाँ पर से अपने टीम में इस विकेट कीपर को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देख लो मैं यहाँ पर से ऑलराउंडर्स फिलहाल जो लेकर के जा रहा हूँ तीन लेकर के जा रहा हूँ। थोड़ा बॉलिंग सेक्शन पर ध्यान डालते हैं तो देख सकते हो आपको नज़र आता होगा एस सलमान हो गया, फिर नीचे आने के बाद आप देख सकते हो एस कौन आपको कॉनेल नज़र आता होगा, गाइज नीचे आने के बाद आपको एस पांडे हो गया, फिर यहाँ पर से देख सकते हो आपको वो आर यादव हो गया, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो आपको आर गायकवाड़ नजर आता होगा। कुछ बहुत सारा यहां पर से बॉलर सेक्शन रहने वाला है इंडियन वुमेंस और साथ में गाइस कह सकते हो वेस्ट इंडीज वुमेंस का। तो देखो मैं यहां पर से आपको बताता हूं पूरा आपको बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी देते चलता हूं कौन सा प्लेयर्स जो हुआ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, किस प्लेयर्स को स्मॉल लीग की टीम में होना चाहिए, किस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम में होना चाहिए। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ डब्ल्यू आई वुमेंस की तरफ से यानी वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से मैं यहाँ पर से गजनाबी को स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो मैं इस प्लेयर्स को स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करूँगा, फिर आप देख सकते हो एस ब्रूस आपको नज़र आता होगा। इस प्लेयर्स को चाहते हो तो जी एल की एकाडमी में ट्राई करना, बाकी आप चाहते हो ड्रॉप करके भी जाना तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहाँ पर से सबसे पहले कॉर्नेल को मैं अपने टीम की स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करूँगा, आर अखबार हो गया, फिर मैं यहाँ पर से आर यादव को लेकर के जाऊंगा स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए काफी ज्यादा सेफ है। मैं यहाँ पर से बता देता हूँ ये दोनों प्लेयर्स को मैं अपने टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप भी नहीं करूंगा, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। थोड़ा मैं अपना टीम दिखा देता हूँ कि मैंने टीम का सिलेक्शन किस प्रकार से किया हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में वाई भाटिया आपको नजर आता होगा, बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो मैंने बैटिंग सेक्शन में एच कौर एस मंदना, फिर यहाँ पर से ऑलराउंडर्स में आते थे मैथ्यू जोगी, फिर यहाँ पर से आपको डी शर्मा वैद्या नजर आता होगा, फिर देख सकते हो कॉर्नेल हो गया, उसके गाइज आपको नजर आता होगा गायकवाड़ हो गया, आर यादव हो गया, फिर यहां पर से गजनाबी देख सकते हो। जो कुछ इस प्रकार से मैंने यहां पर से देखते तो गाइज वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से चार प्लेयर्स लिया हूं, इंडियन वुमेंस की तरफ से सेवन प्लेयर्स का सिलेक्शन किया हूं। थोड़ा मैं इसमें देखते कैप्टन किसे बनाना है, वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गाइज यदि आप जीएल के लिए चाहते हो भाटिया को कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना, कंपटीशन कम में जीएल को विनिंग करना, तो भाई इसे आप कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन कर सकते हो। फिर यहाँ पर से सेफ जाना चाहते हो तो डी शर्मा होगी, मैथ्यू वेज होगी, इसके साथ भी आप सेफ जा सकते हो। नीचे आने के बाद बॉलिंग सेक्शन में आप रिक्स लेना चाहते हो तो बॉलिंग सेक्शन से रिक्स लेकर के कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो। तो मेरे टीम का जो कैप्टन रहेगा एस मंदना के साथ कैप्टन और वी सी जो मैं जाऊँगा एच मैथ्यू वेज के साथ वी सी जाऊँगा। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको एक एक प्लेयर वाइज एनालिसिस कर दिया हूँ कौन सा प्लेयर्स स्मॉल लीग में होना चाहिए, किस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग में होना चाहिए, पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करके जानकारी दिया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगता तो एक लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा।